सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। मैं समझता हूँ कि 3 दिन में रिश्ता भी हो जाना, शादी भी हो जाना, ये मुसलमानों की रिवायत थी। अब तो 3 दिन तक नहीं बल्कि हफ्ते हफ्ते भर तक तो सिर्फ शादियां चलती है। देखने दिखाने का माहौल साल साल दर दर साल तक चलते रहता है। और देखने कौन आ रहा है? जो अभी शौहर नहीं बना उसका भी दोस्त, उसके मामू का बेटा, उसके चचा का बेटा, उसके खानों का बेटा, सब आ रहे हैं देखने के उसको, लड़की को। और हो गया रिश्ता तो हो ही गया, नहीं हुआ तो फिर वो खुद शौहर नहीं हुआ, वो खुद शौहर नहीं हुआ, वो खुद अजनबी नाम महरम है। उसके दोस्तों के सामने तुम अपनी बेटी को कैसे ला करके बिठा देते हो? शर्म नहीं आती क्या? दीन के परक्चे उड़ा दिए। रोना यही है कि इल्म नहीं है। एक खानदान में रिश्ता हो रहा था, बीच में मैं भी था। लड़की वालों से कहा गया कि जरा फोटो भेज देना ताकि पहले हम देख लें, तो उसके बाद जो है वो फिर आएंगे, ऐसे आना अच्छा नहीं लगता। खानदान वालों ने कह दिया कि भाई हम अपनी बेटी को बगैर शादी के रख सकते हैं, लेकिन ना महरमों के मोबाइल में हम अपनी बेटी का फोटो नहीं दे सकते। वाँ वाँ वाँ। ये भी ऐसे भी लोग आज दुनिया में मौजूद, मैं खुद गवाह हूं इसका। ये है, अगर तकदीर में लिखा हुआ है रिश्ता हो के रहेगा। रिश्तों के लिए इतने नीचे मत गिरो कि शरीयत की हद ही तोड़ दो। शादियों में फजूल खर्ची मत करो, हराम काम मत करो, डीजे मत बजाओ, बाजे मत बजाओ। हमारे मजहब में नाच गाने का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर कोई मुझसे कहे कि मुझे गुलाब चाहिए, तो मैं एक ही मशवरा दे सकता हूँ, गुलाब का पौधा घर के आंगन में लगाओ, गुलाब खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन अगर आंगन में गुलाब का पौधा नहीं, तो पूरी दुनिया की ताकत भी झोंक दोगे। तो पौधा जब तक गुलाब का नहीं होगा, उस वक्त तक गुलाब खिल नहीं सकता। धतूरों पर कभी गुलाब नहीं आ सकता, बबूल पर कभी गुलाब नहीं आ सकता। अगर फिर ज़मीन के ऊपर फरीदुद्दीन गंजे शकर को चलता हुआ देखना है, फिर ज़मीन पर निज़ामुद्दीन महबूब इलाही को चलता हुआ देखना है, फिर ज़मीन पर गौसुल आज़म दस्तगीर जिलानी के किरदार को देखना है, फिर मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ियाद का किरदार देखना है। काम एक करो, माओं को बदल दो, माएँ बदल जाएगी, माएँ कनीज़े फातिमा होगी, तो बेटा किरदार हुसैन लेकर पैदा होगा। और ये मदरसे वही चाहते हैं, मदरसे यही करना चाहते हैं। आओ आज अहद करें, खुद भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे खुद भी इंशाल्लाह, और अपनी औलाद को ही पढ़ाएंगे। नई सबको कम से कम एक बच्चे को तो आलिम दीन और हाफिज़ कुरान ज़रूर बनाएँ, खुद सवरें, दूसरों को सवारें।